हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पश्चिम उड़ीसा की एक ओडिया डिश जिसको बोलते हैं गिरहिल फूल। इसका दूसरा भी नाम है और ये झारखंड में भी पाया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसमें काफ़ी सारे औषधीय गुण होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गिरहिल फूल। गिरहिल फूल बनाने के लिए हमने लिया है ये फूल जो कि हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और ये हम मार्केट से लिए हैं। 20 रुपये का है ये। अभी जनवरी फरवरी में ये आसानी से मिल जाता है। और हम लिए हैं कुकिंग ऑयल, हम सरसों का ऑयल लिए हैं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और हम लिए हैं 5 से 6 हरी मिर्च जो ऐसे काट लिए हैं और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ जो ऐसे काट लिए हैं। और हम लिए हैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर और हम बैंगन लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का बैंगन का आधा हम लिए हैं जो कि छील लिए हैं। और हम लिए हैं हल्दी पाउडर, सरसों, और हम लिए हैं स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले फूल को अच्छे से धो लेंगे। देखिए अभी हम अच्छे से फूल को धो लिए हैं। अभी चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। देखिए पानी गर्म हो गया है, अभी हम इसमें फूल डाल देंगे और फूल को हम कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉयल करेंगे कि जिस इसका थोड़ा बहुत जो कड़वाहट होता है वो चला जाएगा। तो ऐसे लगातार चलाते हुए हम 3 से 4 मिनट इसको बॉयल कर लेंगे। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम इसको कुछ टाइम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए अभी 2 से 3 मिनट हो गया है, अच्छे से बॉयल हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम गैस बंद करके इसको छलनी में छान लेंगे। अभी हम इसको छान लिए हैं और जितना भी पानी था अच्छे से निचोड़ लिए हैं। अभी चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया, अभी हम इसमें सबसे पहले 3 से 4 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल गर्म हो गया, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी टीस्पून सरसों और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और हरी मिर्च और इसको हम 2 से 3 सेकंड ऐसे ही भून लेंगे। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे बैंगन जो काट के रखे थे, उसको डाल देंगे इसमें। आप चाहे तो बैंगन के बदले आलू भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही भून लेंगे। अभी हम कुछ टाइम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गया, अभी हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर जो मीडियम साइज का काट के रखे थे, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 छोटी टीस्पून हल्दी पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम और कोई मसाला नहीं ऐड करेंगे, बस नमक और हल्दी पाउडर ही डालेंगे। देखिए टमाटर अच्छे से गल गया है, अभी हम इसमें डाल देंगे जो छान के रखे थे फूल और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको बिना ढके कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे ही फ्राई कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा पानी निकलता है, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए अभी 2 से 3 मिनट हो गया, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गया है, जितना भी पानी था सब सूख लिया, कितना अच्छे से फ्राई हो गया आप लोग देख सकते हैं। अभी हम इसको गैस बंद करके प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए अभी हम इसको प्लेट में निकाल लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। आप इसको गरम गरम चावल के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।